सुलग रही है धड़कने, जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आंख के, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल अच्छा भाई दोस्तों, तुम लोग एंजॉय करो। आहा, क्या हो गया हमायो, इतने दिनों बाद आए हो, दो दो बाजियां तो खेलो। आज मूड नहीं है मेरा। मूड नहीं है या पैसा नहीं है? शिवराज ने से समझा मेरे मत्थे ना लगे। खाया था ना मैंने तेरा जबड़ा, दस टाके भी आए थे। बकवास मत करो, पैसा निकालो पैसा। जिब्रान ने तुम्हारी बड़ी मशहूरी कर रखी है, हैं? जरा पाशा भी तो देखे, कितनी ऊंची हवा में उड़ रहे हो तुम। चलो, अगर तुम्हारी ये हसरत है ना, कर लो पूरी। वाह जिब्रान, राजू बन गया जेंटलमैन। आ जाओ हमाइयों, एक लास्ट बाजी आज हो जाए। आ जाओ चलो। मायो, मैं जानता हूं ये पैसे तूने ऑफिस से मारे, वो असद फिरोज भी कंप्लेन कर रहा था, अगर बॉस को पता चल गया तो। तुम्हारा बॉस मैं, और तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फर्क ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर। रही बात असद फिरोज की, तो उसका तो कल ऑफिस में आते। बॉयज जल्दी आ जाओ। हुमायूं, पाशा हमेशा गड़बड़ करता है, किसी को जीतने नहीं देता, तुम बड़ी बाजी मत लगाना। मेरा नाम हुमायूं, हुमायूं ने कभी हारना नहीं सीखा, वही जीतेगा और पाशा हारेगा। सुन लो सारे, आज का जो राउंड होगा, चैलेंज राउंड होगा, मेरे और पाशा के बीच। आज हुमायूं जीतेगा और पाशा कुत्ते की मौत हारेगा। चल पाशा, हट भाई। राजा बाटो भाई बत्ते। Oh,
मम्मी, काश आप मेरे साथ होती। हुमायूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हो ऐसे? बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुम्हें खबर तक नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आराम आराम से खेलोगे या सारा पैसा एक साथ लगाओगे? इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, एक साथ जितना तो मजा ही है। लगाओ। ये लो। बस खत्म। अभी तो बड़ा चैलेंज कर रहे थे पाशा को। क्या है तुम्हारे पास और दाव पे लगाने के लिए? मेरे पास पैसा है, ये मकान है, आज किस्मत मेरा साथ दे रही है, तुम्हारे पास क्या है? चलो भागो यहां से, ये फकीरों के आने की जगह नहीं है। राशिद, भगाओ इसे, कुछ नहीं है इसके पास, कंगाल है। मेरे पास बीवी है। बीवी लगाता हूं दाव। अगर मैं जीता तो क्या देगा पाशा? अगर ऐसा हुआ तो पाशा की कार तुम ले सकते हो। तुम्हारी बीवी से तो फांसी महंगी होगी। पाशा, तेरी गाड़ी का रंग मुझे पसंद नहीं है कुछ ज्यादा, लेकिन चल कर लेंगे गुजारा। पत्ते खोलो। भाइयों, एक बार फिर सोच लो, तुम अब भी ये शर्त बदल सकते हो। पाशा ये 5 लाख की गड्डी लेकर खामोश हो जाएगा। मायो, बात को मान लो, आज तुम्हारे सितारे गर्दिश में एक भी बाजी नहीं जीते हो तो आई थिंक वी शुड क्विट। मत रोको आज, पाशा को ना कुछ ज्यादा ही घमंड है अपने, बहुत अकड़ है ना तेरे में पाशा, अपने आपको बहुत बड़ा गैम्बलर समझता है। आज तुझे पता चलेगा।
अरे हाथ तो मिलाओ साले साहब, कहा था ना आज की रात पाशा की किस्मत चल रही है। सब लोग देख लें, पाशा ने कोई बेईमानी नहीं की है। चले आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ हमारे, लेट्स गो, आ जाओ, बाजी लगाओ। गेम पाशा, गुड गेम, चलो चलो बहुत देखे। आज तो मजा ही आ गया हमें, ऐसा चकमा दिया इस पाशा के बच्चे को, ये ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा दी। अगर खत्म ही नहीं हो रही थी कमीने की, हैं? हमसे मुकाबला करने चला। अब वैसे भी तुम्हारी कौन सा बीवी है जो उसको देनी पड़े। दाढ़ी खुजाता रहेगा अपनी। है मेरी एक बीवी आयशा, आयशा नाम है उसका, घर पे होती। दिमाग क्यों चल गया हमारे, ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोली? पाशा ने तो ऑफर भी दी थी। माया मेरी मानो, गाड़ी घुमा लो यार। देखो बीवी कोई फालतू चीज नहीं होती जो किसी को दे दी जाए। किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी घुमा लो, अपने काम से काम रखो, अपने मामलात में खुद को ठीक कर सकता हूँ। और एक बात और, ये आज पाशा के अड्डे पर जो कुछ भी हुआ है, और ये कि मेरी एक फजूल सी शादी हुई भी है, उसे किसी को पता ना चलना चाहिए। अगर दिमाग घूम गया ना तो ना मैं देखूंगा कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। उठो यहां से, टांग दबाओ मेरी। तुम लोग मेरी जिंदगी खराब करके खुद चैन से सोते।
हराम। नींद हराम कर दूंगा तुम लोगों की, सब नींद हराम कर सब। क्या मौजा हुआ आज? सुनो बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कल रात तुम छींक रही थी, दवा ली थी बेटा? बस कर दो सुल्ताना भी और जल्दी से मेरी मदद करें। चाचा तो मैं करती हूँ। वैसे आज सुबह सुबह तुम्हें भूख कैसे लग गई? नाश्ता मेरे लिए नहीं है, डैड के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि डैड को खाना टाइम पर देना और साथ मेडिसिन भी। अब तो मुझे यकीन आ गया, मौजे आज भी होते हैं। वैसे अभी दीपक की दोस्ती नहीं हुई डैड से। जब डैड हॉस्पिटल में थे तो हम रोजाना मेरे ख्वाब में आती थी, मुझसे कहती थी कि डैड का ख्याल रखो, तो इसीलिए कर रही हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, ये मेरी कान क्या सुन रहे हैं। बिलाखिर मेरी दुआएं कबूल, जीती रहो, खुश रहो। तो क्या अब मैं अच्छी बेटी हूँ? बहुत प्यारी बेटी हो तुम, तो, बहुत प्यारी। अल्लाह खुश रखे, ऐसे ही खुश रहो तुम लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उफ दाऊद भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप खैरियत से ना घर वापस आ गए। मैं तो परेशान हो गई थी कि इतना बड़ा कारोबार, जायदाद, घर आपके बगैर कौन संभालेगा। तुमने मेरी इकलौती बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कारोबार के बारे में पूछा, हैरत की बात है। हाँ जोया की बात, अरे उससे तो मेरे ही घर में आना है दाऊद भाई, तभी तो मैंने नाम नहीं लिया उसका। वैसे पता है सना की वजह से आपकी इतनी नाक कट चुकी है कि माशाल्लाह से हमारे खानदान में कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन मजाल है जो किसी के लड़के की माँ ने जोया के लिए रिश्ते का इशारा तक किया हो, आप खुद सोचे ना। और फिर वो है भी कितनी बदतमीज, बदमिजाज, कौन करेगा उससे शादी। अरे नहीं, अब वो ऐसी नहीं रही है, वो बदल चुकी है। अब आप भी अपने आप को बदलना शुरू करो, पुरानी रंजिशें जो है उनको भूल जाओ। भाई साहब मैं तो आपकी बहन हूं ना, तो मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं फौतगी पे जाती हूँ, शादी पे जाती हूँ, तो जगह जगह यही बातें हो रही होती हैं, दूसरे लोग कैसे भूलेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है, और अगर वो लोग भूल भी जाते होंगे तो आप तो बड़े मजे ले लेकर उन्हें याद करवाती होंगी ना। क्यों है आप ऐसी फूफो, आपको क्यों हंसते बसते लोग पसंद नहीं है? देखा कितनी बदतमीजी कर रही है, अरे आपकी आंखों के सामने इतनी बदतमीजी कर रही है। आपके लाड ने ना इसको खराब किया हुआ है, पता नहीं तमीज है ही नहीं इस लड़की में। फूफो मैं किसी अपाहिज लूले लंगड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन आपके घर की बहू कभी नहीं बनूंगी। आप जाती क्यों नहीं है यहाँ से? अरे बेटे नहीं, बस बस करो, फूफो है तुम्हारी। डैड अगर ये औरत आज इस घर से ना गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे बेटे बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। आपने सर पे चढ़ा दिया इस लड़की को, आपकी मोहब्बत की वजह से ना ये पागल हो चुकी है। ऐसे कोई बोलता है बड़े से? तमीज ही नहीं है। आप अभी क्या कह रहे थे, बड़ी तमीजदार हो गई है, समझदार हो गई है? सुन लिया आपने, कौन करेगा शादी इस लड़की से? तुम भी इस तरह की बातें मत किया करो ना। अरे भाईजान छोटे बड़े की तमीज नहीं है आपकी बेटी में, सिखाएं उसे कुछ बदतमीज।
मैं जिस हिमायन को जानता था कि वो तो नहीं। ये तो किस कदर खुदगर्ज और कमीना शख्स है, अपनी बीवी को बेन चढ़ाते वक्त इसको जरा एहसास ना हो। अपना जाने किसकी बारी है, बिटिया वो वासी उस्ताद आए बैठे हैं, भिजवा दूं अंदर या मूड नहीं आज आपका? सुल्ताना भी उनसे कहें कि वापस चले जाए, पर कभी ना है। कुछ नहीं सीखना मैंने, सब बकवास है। ये दुनिया, ये लोग, खानदान, रिश्तेदार और डैड भी। फिर क्या हो गया बिटिया? आप तो बड़े साहब के पास उछलती कुत्ती नाश्ता लेकर गई थी, फिर वहां उनकी अजीजी बहन बैठी वही काम कर रही थी जो वो करती आई, आग लगा रही थी, डैड के कान भर रही थी, मेरी अम्मों का मजाक उड़ा रही थी। बस बेटा, इस खातून का तो अल्लाह ही भला करे। तो खामखा डैड को माफ कर दिया, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन डैड तो कभी नहीं बदलेंगे। तो आज भी अपनी बहन की साइड ले रहे हैं, मेरी नहीं। आपको पता डैड एक बहुत कमजोर इंसान है, कानों के कच्चे भी हैं। वो तो बस वही करेंगे जो फूफो बेगम कहेंगी। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो पिंकी खाला, कहाँ हैं आप? आप पाकिस्तान में हैं? What? आप कराची में हैं? पिंकी खाला, आप मेरे पास कब आ रही हैं? Please, 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 जल्दी आ जाएं। Miss you so much। मैं इंतजार करूंगी। आहत बेटा, बस बहुत हो गया। अब तुमने कुछ नहीं कहना। हम अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ के जाएंगे, अपने घर शिफ्ट होंगे। अम्मी, एक मिनट, क्या हुआ है? इतनी आफत क्या आ गई है? आपने खुद ही तो कहा था कि दो चार दिन मामू के पास गुजार के जाएंगे। गलत कहा था मैंने। जब तक ये जोया लड़की है ना इस घर में, कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। बदतमीज लड़की है, अरे मेरी तरफ ऐसे घूरती है जैसे मैंने उसकी माँ को मारा है। क्या हो गया? क्या कह दिया जोया ने? खबरदार जो तुमने आइंदा उसका नाम अपने मुंह से लिया। आज नाम ले लिया, दोबारा मत लेना, समझे तुम? यहाँ पे क्या कह रही हैं? प्लीज काम डाउन, मैं बात करता हूँ ना मामू से। खबरदार जो बात की तुमने उनसे। अरे इस लड़की में क्या है? अपने बाप की दौलत? हमारे पास दौलत नहीं है कि हम सड़क से उतर के आए हैं? कोई जरूरत नहीं है। क्या समझती अपने आप को? तुम एक हार्ट सर्जन बनने वाले हो बेटा, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें। मेरी भांजी है लाहौर में, तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, मरती है तुम्हारे पीछे। मैं तो अपने भाई की मोहब्बत में मारी जा रही हूँ। अब बस बहुत हो गया,
मैंने फैसला कर लिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं और अगले महीने ना मैं तुम्हारी वहां पे शादी करवाने लगी हूँ। बस तुम बस गाड़ी निकालो, मैं बैग लेके आ रही हूँ, बहुत हो गया। अब मैंने तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना। हुमायूं सर, ये सब क्या है आखिर? किसकी इजाजत से तुम अंदर आए? तमीज नहीं है तुम्हें? जिस तरह आए हो ना उसी तरीके से वापस जाओ। इजाजत मांगो फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। करा कम इन। सर मेरी 15 साल की खिदमत का ये सिला मिल रहा है मुझे? खिदमत 15 दिन की हो या 15 साल की, बॉस का हुक्म तो बहरहाल मानना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि उनके ऑफिस के स्टाफ को थोड़े कम करने की जरूरत है। मगर बॉस ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं तो उनका बहुत अहम एम्प्लॉई हूं। मैं तो उस बॉस को हॉस्पिटल भी गया था देखने। तो तुमसे मुलाकात तो नहीं हो पाई होगी? जी नहीं, मिले मुझसे नहीं। हुमायूं सर, आप सब लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अगर कंपनी मेरी खिदमात से मुतमईन नहीं है, मुझे कम से कम 3 महीने का नोटिस तो मिलना चाहिए ना। इस तरह तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा सर। एक काम करता हूँ, मैं बॉस से बात करके तुम्हें 3 महीने की सैलरी दिलवा देता हूँ। प्लीज को मुझे कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरी मीटिंग है। नहीं सर, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉस अब घर पर आ चुके हैं, मैं फोन करके उनसे मुलाकात करूंगा। मैं खुद उनसे सुनना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर सुनी के हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी डॉक्टर ने उनको कहा है कि 1 महीने का बेड रेस्ट करें आप और किसी भी किस्म की फजूल स्ट्रेस से दूर रहें। फिर भी आपकी मर्जी है, आप कीजिएगा उनसे बात। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ओहो फजल, कितनी देर लगा रहे हो, आ जाओ ना जल्दी। आराम आराम से, सब शीशे की चीजें, चलो टेबल पे लगाओ इधर। शाबाश, आराम से खोलना, आराम से। अम्मी कहाँ जा रहे हो? आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं हॉस्पिटल से वापस आके आपकी हेल्प कर दूंगा ना। आप आराम करें, आप थक जाएंगी, आपके सर में दर्द हो जाएगा। अरे अपना घर संवारने में ना कोई भी नहीं थकता, डोंट वरी अबाउट। जैसे आपकी मर्जी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अम्मी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना बैग ले आती हूँ। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ना मुझे सुपरमार्केट छोड़ दो। अम्मी मुझे इस वक्त देर हो रही है, मैं शाम को ले जाऊंगा आपको। बल्कि ऐसा करें ना, ड्राइवर है ना उससे चली जाए आप, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़, बाय। जानती हूँ कहाँ जा रहे हो, अस्पताल से पहले मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। खैर छोड़ो। हाँ अच्छा फजल, कहाँ तक बात पहुंची? सांस लीजिए। अगर ये घर पर ना हुई तो सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। जबरदस्त इस डॉक्टर को पकड़ कर लाया हूं ना, मेरी भला से बुड्ढा कल का मरता आज मर जाए। ज
गया बिटिया, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो डॉक्टर आया बैठा है और कोई ऑफिस के साहब आए हुए, क्या नाम है उनका, हाँ हुमायूं साहब। सुल्ताना भी हुमायूं आए हैं? हाँ हाँ वो ही होंगे, आ जाएं आप, आ जाएं। ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, कोई टेंशन लिया आपने क्या? क्या क्या है टेंशन, तो टेंशन किसको नहीं है। मैं आपको कुछ नई दवाइयां लिख के दूंगा, ये दवाइयां जरा रोक दें, फिलहाल उन दवाइयों को इस्तेमाल रखें। सोया वापस क्यों जा रहे हो? Oh my God, आप यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने तो सुल्ताना से कहलवाया था। खैर, कैसे? मेरे लिए? नहीं, वो क्या हो गया तुमको? कुछ बोलो भाई, लाइक दैट। हुमायूं आखिर इतने स्मार्ट क्यों है यार तुम? लड़कियों को घायल करने में जरा देर नहीं लगाते, देखो तो इस बेचारी का हाल। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तुम मुझे पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे वो कह रहे थे कि आराम की जरूरत है। राइट, डू आस्क हिम योरसेल्फ। आई विल, मैं नीचे वेट करता हूँ। हुमायूं, जस्ट वेट डाउनस्टेयर्स लॉन में, मैं बस दो मिनट में आ रही हूँ। ज़ोया, तुम बिल्कुल पागल हो, क्या जरूरत थी उससे ये बात कहने की? क्या सोचेगा वो? कैसी तबीयत है? बेहतर है, आजा बैठा आजा। सर ये नई मेडिसिंस मैंने लिख दी, पहले वाली दवाइयां आप बंद कर दीजिए और इसको स्टार्ट कर दें। ये हुमायूं साहब का? वो बाहर है नीचे। अच्छा सर, अपना ख्याल रखिएगा और दवा वक्त पे ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, इट्स गुड, लेकिन तुम क्या हुमायूं का सारा काम मुझसे करवाओगी? कहां है ये हुमायूं? आज फिर छुट्टी मार ली होगी उसने। भाई सारी ईमेल्स चेक करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि
हुमायूं के सिस्टम का पासवर्ड तुम्हें ही पता है। और बाय द वे, आंधी हो या तूफान, हुमायूं कभी भी छुट्टी नहीं करता। वो सुबह ही आ गया था और इस वक्त वो बॉस के घर पर है, उनके पास। रियली? वहां क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता? अब से वो रोजाना 2 घंटे बॉस के साथ गुजारेंगे उनके घर पर, बिजनेस मैटर्स डिस्कस करने के लिए। आई सी। ये सब तुम्हें किसने बताया? ऑफ कोर्स हुमायूं ने, खुद ही बता रहे थे वो। यार वैसे क्या बंदा है हुमायूं, सर से पांव तक आजजी, हमदर्दी, अखलाक का नमूना, चुटकी में दिल जीत लेता है वो। ये तो है। अच्छा ये 2 लाइंस आखिर की चेक करो, क्या कहना चाह रहा है ये? Wow. आप जो सुन रहे हैं, इट्स ऑल्सो माय फेवरेट। अब ये कभी कभी मैं अम्मो के लिए सुनती हूँ और रोना भी आ जाता। बात कहूं, मुझे अगर इस दुनिया में किसी चीज से नफरत है तो औरत के आंसुओं से। और खूबसूरत लड़कियों को रोता तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऐसे अजीब सी बात है, आपकी बातें एक्चुअली लोगों को ठीक कर देती हैं। हार्ट भी बदल रहे हैं एंड आई थिंक इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। बट थैंक्स। अच्छा ज़ोया, मुझे जाना होगा। ओके। घबराए नहीं, मैं रोज चक्कर लगाऊंगा। ऑब्वियसली बॉस इधर हैं तो ऑफिस के काम के लिए मुझे रोज आना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊं। होमवर्क? और आपका होमवर्क ये है कि आपको रोजाना 1 घंटा अपने डैड के साथ बातें करनी है।